बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इस खबर से अपडेट कर दूंगा, साथ में दिखा भी देता हूं मैं तमाम उन परदेशियों के, उन मेरे भाइयों के लिए, सॉरी, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, चाहे वो बांग्लादेशी है जी, आप भी रिजू कर सकते हैं अपनी अपनी यानी कि कंट्री के हिसाब से। तो तमाम वो परदेशी भाई यार, बेसिकली जिनके इकाम एक्सपायर हैं, जिनके हरूब लगे हुए हैं, या किसी ना किसी मामले को लेकर मतलूब है, या कंपनी से भागे हुए हैं, कंपनी सैलरी नहीं दे रखी है, या कंपनी क्रूज नहीं लगा रखी है, भाई मैंने छुट्टी लगवानी थी यार, मैंने नकल कफाला करवाना था, कंपनी नकल कफाला भी नहीं दे रही है, तो उन तमाम दोस्त अखबाब के लिए सबसे पहले आपको नकल कफाले के मतलब ही इस वीडियो में शॉर्ट सा अपडेट कर दूं मैं। अगर कुछ भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं ना, अगर भाई आपका इकामा एक्सपायर है ना, तो आप नकल कफाला जिधर मर्जी ले जाएं, आपकी कंपनी का कोई अमल दखल नहीं होगा इसमें, ठीक है जी। आप खुद अपना नकल कफाला करवा सकते हैं, खुद अपने वकील हैं उस टाइम आप। हाँ, अगर इकामा वैलिड है तो फिर आपकी कंपनी जो है ना, वो आपकी तलब ओके करेगी, उसके बाद ही आपका क्रूज लगेगा। बहरहाल अगर आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तब भी आप इनसे मिल सकते हैं। अच्छा, अगर इकामा एक्सपायर है तो आपने क्रूज जाना है, उस सूरत में आप इनसे मिल सकते हैं। कैसे, मैं आपको तरीकाकार अभी बता देता हूँ मैं, वो भी अगर आपने इकामा एक्सपायर है, नकल कफाला करवाना है, वो आपको बता चुका हूँ मैं। हरूब है, हरूब की सूरत में आपने नकल कफाला करवाना हो, आपको पता है पहले हरूब खत्म करवाने के ऊपर पैसे लगते हैं, फिर नकल कफाला, फिर जितने इकामे वगैरह एक्सपायर हो, वो जबरदस्त की फीस है, जो भी मामला होते हैं। अगर हरूब की सूरत में आप खरूज जाना चाह रहे हैं, तो फिर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। वो कैसे, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं, आप जत्ता के नज़दीक हैं या रियाज सफारा के नज़दीक हैं, तो आप सफारा में चले जाएं, अगर वहाँ पर नज़दीक हैं, ये भी आपको मैं ट्वीट अभी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। वहाँ पर आपका इकामा एक्सपायर, आपको पता है, वो आपके फाइल जमा करेंगे, 2 माह 4 माह 6 माह लगेंगे, आपका खरूज लग जाएगा, टाइम आपको वही वो सफारा वाले कन्फर्म बता देंगे। हरूब है, हरूब की सूरत में भी आपकी फाइल जमा होगी, लेकिन हरूब वालों को टाइम कम दिया जाता है, यानी कि 15 दिन 20 दिन 1 माह 2 माह ऐसे उनको कम टाइम दिया जाता है, उनका काम जल्दी हो जाता है। तो ये सूरत हाल है। आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तब भी आपको पता, हमने सफारा में जाना होता है, पासपोर्ट रिन्यू हो तो भाई इकामा लगता है, पासपोर्ट एक्सपायर होता है इकामा रिन्यू होता है। बहरहाल आपको अभी मैं ये ट्वीट दिखा रहा हूँ, आप देख लें, इसमें लिखा हुआ जी, कौंसलर टीम की मदीना मुनवरा में आमद, ठीक है जी, तारीख लिखी हुई है 26-27 मई 2023 बरोज जुमा और हफ्ते वाले दिन ये टीम आ रखी है जी, एंड मदीना अल मुनव्वरा में, और इनका टाइम टेबल आपको बता दूं मैं, ये सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक बैठेंगे, एंड दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक बैठेंगे, हफ्ते वाले दिन 2:30 बजे से 12 बजे तक बैठेंगे। नीचे मुकाम इनका देख लें जी, काउंसलर विजिट का मुकाम तब्दील करके नए मुकाम पर कर दिया गया, पहले पाकिस्तानी हाउस होते थे, नया मुकाम होटल दारुल जियाल, ठीक है, नया मुकाम होटल दारुल जियाल, इमारत नंबर 3123 हैयल मसाना मदीना मुनव्वरा, रब्ता नंबर नीचे लिखा हुआ है, आप ये टैक्सी वाले को बोल देंगे, वो आपको सीधा इनके पास ले जाएगा। वहां पर जाकर आपका इकामा एक्सपायर है, फाइल जमा कराएं, हरूब है, फाइल जमा करवाएं, कंपनी से भागे हुए हैं, इनसे कोई मशवरा लेना चाह रहे हैं, आपको मशवरा भी देंगे, गाइड भी कर देंगे, और इसके अलावा पासपोर्ट रिन्यू करवाना है तब भी इनसे मिल सकते हैं, शनाख्ती कार्ड आपने रिन्यू करवाना हो तब भी इनसे मिल सकते हैं। तो सफारा की टीम मदीना, आप मदीना के नज़दीक किसी भी शहर में आए तो इनसे आकर मिल सकते हैं।